हीमोफीलिया एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें नॉर्मल जीने के लिए फैक्टर सपोर्ट लेना पड़ता है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है ऐसा हो जाए कि फैक्टर सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल भी होते हैं कि क्या इससे संबंधित कोई ऐसी रिसर्चेज हैं जो ये बताती हैं कि आने वाले समय में इस बीमारी को हराया जा सकता है, या फिर क्या कुछ प्रेजेंट टाइम में ऐसी टैबलेट्स हैं जो कि फैक्टर की जगह ले सकती हैं, अगर फैक्टर ना लिया जाए तो फिर उसकी जगह वो टैबलेट ले ली जाए, या इसके अलावा ऐसी कौन सी नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में करें जो एक हीमोफिलिक पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी सवालों को आज हम एक क्लिपिंग से जानेंगे, जो क्लिपिंग है डॉक्टर नरेश गुप्ता की, जो कि डायरेक्टर प्रोफेसर हैं लोकनायक हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग में नई दिल्ली में। हीमोफीलिया के इलाज में बहुत चेंजेस आए हैं और उसमें जो ये फैक्टर देते हैं वो फैक्टर के नए जो रूप निकल के आए हैं उसमें दो बड़े अहम चीजें हैं। एक तो ये है कि अब उस फैक्टर की लाइफ ज्यादा है, जिसका मतलब ये कि आपको 2-3 दिन में लगाने की जरूरत नहीं है, हफ्ते 2 हफ्ते में भी लगाने से काम चल सकता है। दूसरा ये उभर के आया है कि जो फैक्टर हम लगाते हैं इसमें वो नस में दिया जाता है, लेकिन अब नए फैक्टर के रूप जो आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं जो कि आप स्किन के अंदर लगा सकते हैं, जैसे इंसुलिन को लगाते हैं कोई भी लगा सकते हैं, नस के अंदर कोई भी नहीं लगा सकता है। तो ये जो है उसको तो और भी कम लगाया जाता है, महीने में 1-1.5 भी लगेगा तो भी ठीक है, 3-4 हफ्ते में 1 लगेगा तो भी ठीक है। तीसरी चीज जो उभर के आ रही है वो आ रही है जीन थेरेपी जी। और जीन थेरेपी बड़ी कारगर नजर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ये एक नई रिसर्च आई है जिसमें कि जीन थेरेपी SB525 करके 2 कंपनीज ने करी थी, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। पहले जो उसके रिजल्ट्स आते थे हीमोफीलिया बी में आते थे, अब हीमोफीलिया ए में जिसमें कम थे वो भी बहुत अच्छे आ रहे हैं जी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम जीन थेरेपी दें तो क्या वो जिंदगी भर के लिए ठीक हो जाएगा, ये हम मान के चलते थे, लेकिन ये हमको जानकारी जरूर है कि अगर आप एक टीका जीन थेरेपी का लगाएंगे कम से कम वो 8-10 साल तो कहीं नहीं गया, और बाकी तो अब ये समय बताएगा कि आगे उसमें क्या आएगा जी। हम लोगों के यहाँ भी जीन थेरेपी पे काफी काम हो रहा है। इनफैक्ट हम लोगों की एक सोसाइटी है, डॉक्टर सविता ने बनाई है, जीन एंड सेल थेरेपी, हम उसमें हिस्सेदार हैं और वो भी इसी के ऊपर काम कर रही है कि जो सालों साल आपको निजात दिला सके, मे बी लाइफ लॉन्ग। एक सवाल इन्होंने उठाया कि गोली कोई मिलती है कि नहीं मिलती है जी। गोली हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट के लिए अभी नहीं है, लेकिन ऐसी गोलियां हैं जो कि जो खून का बहना होता है उसका जो थक्का बनाना है उसमें मदद कर सकती है। सो 2 तरह की गोलियां आती है, जिसमें एक को कहते हैं ट्रनेक्समिक एसिड और एक होता है ESCA एप्सिलॉन अमाइनो कैप्टोरिक एसिड। ये दोनों इंजेक्शन के रूप में भी मिलती है, गोली के रूप में भी मिलती है। बट मैं ये बिल्कुल साफ कर देना चाहूंगा कि ये अपने आप में अकेले में ये हीमोफीलिया की ब्लीडिंग को नहीं रोकेगी। तो कोई ये ना मान के चले कि मेरे जोड़ के अंदर ब्लीडिंग हो गई, दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हो गई, पेट के अंदर ब्लीडिंग हो गई तो मैं ये गोली खाऊंगा तो ठीक हो जाएगा जी। वो सिर्फ सपोर्ट का काम कर सकती है और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। सपोर्ट में ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ इलाज लेने से, इंजेक्शन लेने से आपका हीमोफीलिया ठीक नहीं होगा जी। जब हम लोगों ने शुरू करी थी, हम लोगों ने 5 देशों में एक स्टडी करी थी, साउथ अफ्रीका, अल्जीरिया, मोरक्को, ओमान एंड इंडिया। 84% लोगों को ये बीमारियां थी जिसकी जो सीक्वली थी बीमारियों का इलाज ना मिलने की वजह से वो थी, और उसका फायदा आता है फिजियोथेरेपी से। और इस संदर्भ में मैं आपको योगा का बताना चाहूंगा। हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट करा है योगा का हीमोफीलिया में महत्व, और ये सब जानते हैं 2012 में भी हमने योग सूत्र इन हीमोफीलिया करा था। आज की तारीख में हम उसका एक साइंटिफिक असेसमेंट कर रहे हैं जी। अच्छा। ये हमारे टूल्स हैं जिसकी वजह से वो कर रहे हैं, पूरा होने वाला है। ये मरीज की बुकलेट होती है जिसमें वो रिकॉर्ड बना के रखते हैं कि कैसे कैसे योगा करा किसी सुपरविजन में, और वो महीनों करते रहते हैं। और ये रेगुलरली जो है असेसर्स बुकलेट है जिसमें वो ये देखते हैं कि इनको कितना कितना फायदा आ रहा है जी। इसके रिजल्ट अब आ जाएंगे और उससे हम पूरी दुनिया को ये बता सकेंगे कि योगा का हीमोफीलिया में क्या महत्व है। तो फिजियोथेरेपी, योगा और ये सब
इन रिसर्चेस के रिजल्ट को आने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तब तक जहां आप फैक्टर्स पर डिपेंड हैं और उस पर अगर आप बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी ऐसी जगहों पर कॉन्टैक्ट करना चाहिए या जाना चाहिए जहां पर आप फैक्टर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट भी लगवा सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।